हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोपोजिशंस के टाइप्स या फिर कैटेगरीज को कवर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोपोजिशन और कैटेगरी ऑफ प्रोपोजिशन इज अटॉमिक प्रोपोजिशन, और वी कैन से दैट इट इज़ अ प्राइमरी, प्रिमिटिव और सिंपल प्रोपोजिशन. आप इन नामों से भी इनको जान सकते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली द अटॉमिक, अटॉमिक मतलब सिंगल प्रोपोजिशन, जिसमें प्रोपोजिशन वाला जो आपका व्हाट इज प्रोपोजिशन एज यू नो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो वो सेंटेंस केवल एक ही होगा, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो. ओके, सो इट इज़ अ अटॉमिक. ठीक है, सो इट इज़ अ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ सिंगल प्रोपोजिशन वेरिएबल और अ सिंगल प्रोपोजिशनल कॉन्स्टेंट. इट इज कॉल्ड एन एटॉमिक, प्राइमरी, प्रिमिटिव प्रोपोजिशनल, और वी कैन से दैट द सिंपल प्रोपोजिशनल. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इट विल नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. फर्दर यानी कि आगे जो है वो डिवाइडेड जो है उसको हम नहीं कर सकते. और इसको जो हम डिनोट करते हैं, जनरली आपका जो प्रोपोजिशन आप देखेंगे आगे के सेंटेंस में, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी, जो पी क्यू आर एस जो लेटर्स होते हैं वो आपके हमेशा स्मॉल पी क्यू आर एस लेटर्स से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. और सिंपली ये क्या होंगे, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. एज यू नो प्रोपोजिशन की क्या होती है, दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स. तो ये भी आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स को हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे. तो एग्जांपल आपका जैसे हो जाएगा, द सन राइजेस इन द वेस्ट. ओके, लाइक सन राइजेस इन द वेस्ट. ओके, सो इट इज एन अटोमिक प्रोपोजिशन, इसको आप दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. इट इज़ अ सिंगल सेंटेंस एंड इट इज़ ट्रू और फॉल्स. एज यू नो इट इज़ अ ट्रू, सॉरी इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट सपोज वी हैव 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, तो येस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट और इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ, फर्स्ट टाइप ऑफ योर प्रोपोजिशन. ओके, सेकेंड टाइप इज वी हैव अ कंपाउंड प्रोपोजिशन. ओके, कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, या फिर इसको आप और जब एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगा. देखते हैं वो क्या होता है. ओके, सो इन कंपाउंड प्रोपोजिशन, सबसे पहले तो इसको मॉलिकुलर और कंपोजिट प्रोपोजिशन भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड आपको मिलेगा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशन. ठीक है, एंड बाय मींस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो क्या होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर आपके कनेक्टिव्स के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होंगे. ओके, और बाय नेगेटिंग अ सिंगल प्रोपोजिशन, वो किसी एक प्रोपोजिशन को या तो डिनोट करेंगे या तो शो होगा कि एक ही प्रोपोजिशन की बात हो रही है. एंड वहाँ पे क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन एडेड है तो वो क्या होंगे, उस टाइम पे कनेक्टर्स के थ्रू क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे. ठीक है, जैसे दो आपके सेंटेंस की बात हो रही है तो वहाँ पे और, एंड या इस टाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, सो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशन. ओके, तो कॉम्बिनेशन वाले, लाइक वी हैव राम इज अ स्टूडेंट. ओके, एंड ठीक है, एंड श्याम इज अ प्लेयर. ओके, सो दिस वन इज़ योर स्टेटमेंट वन. फाइन, दिस वन इज़ योर स्टेटमेंट वन एंड दिस वन इज़ योर स्टेटमेंट टू. ओके, दिस वन इज़ योर स्टेटमेंट टू, सेकेंड स्टेटमेंट, एंड इट विल बी कनेक्टेड और कनेक्टेड थ्रू अ एंड. एंड इज वॉट, एंड इज़ अ कनेक्टिव, यूज एज अ कनेक्टिव फॉर दीज टू स्टेटमेंट, जो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है. ओके, एंड ये होगा कैपिटल लेटर्स से इनको हम डिनोट करेंगे. जब भी आप प्रोपोजिशन लॉजिक में देखेंगे, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा इट ऑलवेज बी डिनोटेड विद द कैपिटल पी क्यू आर एस. एंड आपका जो अटोमिक और सिंगल और सिंपल प्रोपोजिशन था वो आपका स्मॉल लेटर्स से वो क्या हो रहा था, डिनोट हो रहा था. ओके, तो ये आप चीज़ें जो हैं कुछ ध्यान रखेंगे. एंड ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे बार बार जो बात हो रही है, दैट इज़ योर कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स आर, व्हाट आर दी कनेक्टिव्स, यहाँ पे कनेक्टिव्स का आपका कंसेप्ट आ जाता है. तो व्हाट आर दी लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ क्या है, बेसिकली जो इस टाइप के जो प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है, इस टाइप के जो प्रोपोजिशंस आपको मिलेंगे उनको क्या करना है, जोड़ने का काम जो करते हैं वो बेसिकली लॉजिकल कनेक्टिव्स का होता है. ठीक है, उसको हम कवर करते हैं. सो द बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स आर द वर्ड्स एंड द फ्रेसेस और सिंबल यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कॉल्ड द कनेक्टिव. दीज आर दी बेसिक, व्हाट आर दी बेसिक 5 कनेक्टिव्स, दे आर दी नेगेशन, कंजक्शन, डिसजक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल.
ओके, कम टू फर्स्ट वन. द कनेक्टिव नेम इज योर नेगेशन. नेगेशन सिंबल यूज फॉर नेगेशन इज, आप लोगों को पता होगा नेगेशन के लिए सिंबल आपका इस तरीके का सिंबल जो है यूज होता है, और वी हैव अ टिल्डे साइन. ओके, नाउ कनेक्टिव वर्ड आपका जो हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉट. बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं. एंड सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है उसका जब आप देखेंगे, तो अगर किसी का भी नेगेशन शो करना होता है तो दैट नेगेशन साइन और जो भी पर्टिकुलर आपका सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसको आप ए बी और किसी से भी प्रेजेंट करेंगे, वो आपको लिखना है. अगेन वी हैव नेगेशन साइन एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट वी हैव कंजक्शन. ओके, कंजक्शन मीन्स वी हैव सिंबल फॉर कंजक्शन इज दिस वन, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, एंड. ओके, कनेक्टिव वर्ड आपका है एंड, एंड इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो ए एंड बी. नेक्स्ट वी हैव द सिंबल यूज फॉर डिसजक्शन. डिसजक्शन यानी कि और. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ए और बी, जब भी और वाली कंडीशंस होंगी. नेक्स्ट वी हैव द इम्प्लाइज साइन फॉर कंडीशनल. ठीक है, जब भी आपका कंडीशनल कनेक्टिव होगा तो इट विल यूज बाय, इट विल रिप्रेजेंट बाय द इम्प्लाइज साइन, और इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज. ठीक है, इम्प्लाइज वर्ड आपका इसके लिए यूज़ होगा, दैट इज ए इम्प्लाइज बी. नाउ लास्ट कनेक्टिव इज वी हैव अ बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल यानी कि दोनों साइड जो है आपका जो साइन है कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों साइड एरो, और आप कई बार देखेंगे कि ये भी जो बीच वाला जो ये जो लाइन होता है वो भी आपका डबल रहेगा एंड बोथ साइड एरोज रहेंगे. एंड इट इज़ वॉट, इट इज़ अ बाय कंडीशनल. एंड वर्ड फॉर द बाय कंडीशनल इज योर इफ़ एंड ओनली इफ. If and only if, ये वाली जब आपकी कंडीशन होती है उसको हम बाय कंडीशनल बोलते हैं. सो इसके लिए आपका जो सेंटेंस रिप्रेजेंट होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. हमने आज के लेक्चर में अभी हमने क्या क्या कवर किया, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन जिसमें आपका जो फर्स्ट टाइप था दैट इज़ योर एटॉमिक प्रोपोजिशन. एंड नेक्स्ट टाइप इज़ योर कंपाउंड प्रोपोजिशन, और वी कैन से दैट द कंपोजिट. ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो प्रोपोजिशन एटॉमिक टाइप का होगा उसमें आपका स्टेटमेंट जो होगा इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट. ओके, इट इज़ वॉट, इट इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट जिसको आप क्या कर सकते हो, फर्दर डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते हो. एंड इट इज़ वॉट कंपाउंड स्टेटमेंट. सेकेंड वन इज़ योर कंपाउंड स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा थ्रू वॉट, थ्रू योर कनेक्टिव वर्ड्स दैट इज़ योर नॉट. ठीक है, एंड के थ्रू, और के थ्रू, और इम्प्लाइज के थ्रू, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशंस के थ्रू. आई होप इट इज़ क्लियर. आपको ये टेबल्स जो है वो याद करना है. ठीक है, ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे मैं आप लोगों को इन सब का डिटेल जो है वो डिस्क्राइब कर दूँगी. सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.